2017, the era of change for India. The old heroes gone and the new ones yet to rise. जहां लोग ऑफलाइन टूर्नामेंट खेल रहे थे वहीं ये लीग अपनी ही ऊंचाइयों पर थी. फिर आया वो टाइम 2020 जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया. जहां ऑनलाइन टूर्नामेंट अपनी ही स्पीड से चल रहे थे, जहां कोविड का कहर था वहां चाहे देश की इकोनॉमी हो या पोकर के दफ्तर, हर जगह हलचल थी. और कहीं रफ्तार थी इस टाइम तो बस पोकर स्पोर्ट्स लीग के दफ्तर. यहां आम आदमी पहली बार किसी पोकर लीग में ऑनलाइन खेल ही नहीं बात भी कर सकता था. लाला, ऑफलाइन टूर्नामेंट में सिचुएशन आता है, पोकर स्पोर्ट्स लीग वर्चुअल में नहीं. स्किल्स ही स्किल्स को खींचता लाला. अरे हाजी, एक बात कहूँ, लोगों को पता चलना चाहिए कि फोकस स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 वर्चुअल ना बाकी सब टूर्नामेंट से कम नहीं है. समझी गया नहीं लाला? फोकस स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 का मसाला ना चार चीजों से बनता है. पहला क्वालिफायर्स, बीजू टीम सिलेक्शन. फिर आता है बूट कैंप जहाँ पे हर प्लेयर के इमोशन ना मिलते हैं. अलाला, अंत में आता है फिनाले जहाँ हर टीम एक दूसरे से लड़ती है. और ऐसे तैयार होता है फोकस स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 का मसाला. पोकर के मार्केट में जब घंटी बजती है ना तो रोज उसी के साथ में पोकर स्पोर्ट्स लीग सीजन 3 के नाम का डंका भी बजता है. ये पोकर है पोकर, यहाँ सब बदल जाएगा पर लीग वही रहेगा. तो भाई ये पोकर स्ट्रीट का लीग है जिसमें दम है, आके थोड़ा नमक चख ले. देखिए, कुछ लोग पोकर के मार्केट में किस्मत पर विश्वास करते हैं, पर मैं किस्मत पे नहीं, मैं स्किल्स पे विश्वास करता हूँ. लाइव टूर्नामेंट हो या ऑनलाइन टूर्नामेंट, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट. और ये सबका फेवरेट सब्जेक्ट है. देखिए, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती. मैं 10 लोगों की ऐसी टीम तैयार करना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार हो. फिर देखिए कैसे अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे. पोकर स्पोर्ट्स लीग वर्चुअल इतना गहरा कुआ है ना कि सारे पोकर प्लेयर्स की प्यास बुझा सकता है. पोकर स्पोर्ट्स लीग वर्चुअल द बिग बुल गेम ऑफ इंटीग्रिटी, सब टूर्नामेंट का बच्चन बोलते हैं इसे. इट इज इंडियाज बिगेस्ट पोकर लीग जहाँ पे प्राइज पूल 2 करोड़ से भी ज़्यादा का है. ये बुल बाकी बेयर की तरह नहीं है, सीए की तरीके से काम करे. अब ये बिग बुल मार्केट में उछाल मारेगा. इन बका रिस्क है तो इश्क है.